कितने रह गया? गुड मॉर्निंग रोहित। अरे गुड मॉर्निंग, कहाँ रह गई थी यार? यार थोड़ी लेट हो गई। ले सेब खा ले। ये सेब? अरे सॉरी, दूसरा लेके आऊँ? नहीं खाना। इसने छोड़, न्यू बता टाइम तक ताऊगी। मैं कभी भी नहीं आना। बेशक मता, लेकिन जब तू पंजाबी बोल रहा है ना, मने घनी बढ़िया लगे है। तेने तो हमेशा मैं चंगी लग दी हां। चल ही वॉक पे चल लेंगे। चल। फिर मानसी, क्या प्लान आज का? आज का ज्यादा कुछ खास नहीं है यार, बस हाँ सूरज के साथ घूमने जाऊंगी मैं। अच्छा। हाँ यार, मैं ना निकलती हूँ, अगर लेट हो जाऊंगी ना फिर वो गुस्सा करता है फालतू में। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। सॉरी यार, रात को लेट सोया था, उठा ही नहीं गया। हिमांशी कहाँ गई? अरे बेब गई है कती। भाई 2 साल हो गए मुझे देखते, तो डेली 5 बजे उठ के पार्क में आता है हिमांशी के चक्कर में। एक भी दिन मिस नहीं किया तूने आज तक। अरे क्यों हो गया फिर, सेहत भी तो बढ़िया रहा है। अरे एक रोज का रूटीन नहीं बन रहा है सुबह उठने का। हाँ, और जो दिल टूट रहा है उसका क्या? किसी बात कर रहा है, कितने दिल दुलना टूट रहा है मेरा। हाँ भाई मुझे सब पता है, स्कूल टाइम से दोस्त हम। मेरे को पता है तू स्कूल टाइम से उससे प्यार करता है। के कर सके हैं, और वह सूरज गैल रिलेशनशिप में है, और उस गैल खुश है, और उसकी खुशी से बढ़कर मेरी कुछ कोन्या। और भाई तेरी खुशी का क्या? अरे उसकी खुशी में मेरी खुशी है, और होगी तेरी पंचायत। चल दौड़ मारेंगे। हेलो। हाँ बोल, कैसे याद करा? क्या ही बताऊं तुझे, सूरज मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, कब से ट्राई कर रही हूँ उसको फोन करने की। अरे बिजी होगा ना फिर, इतना क्यों सोचती है? यार फोन तो तू भी उठाता है मेरा हमेशा। अरे उदास मत हो, मैं बात करता हूँ शाम को उससे। ठीक है, बाय। भाई ऐसी भी क्या जरूरी कॉल थी जो आपने इस टाइम फोन उठा लिया? जरूरी कॉल ना होती, लोग हुए हैं। चल चल लेंगे। सुबह मॉर्निंग वॉक पे क्यों नहीं आया? रात को लेट सोया था मैं। और लेट क्यों सोया? यार ऑफिस का काम कर रहा था मैं रात को, इसलिए लेट सोया था। पिछले 4 महीने से तुम्हारा यही चल रहा है, एक भी दिन हम ढंग से नहीं मिले हैं। मुझे पता है यार, तू भी कुछ समझ, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें टाइम भी तो देना पड़ेगा। और तुम्हारे पास 2 मिनट के लिए भी टाइम नहीं है मेरे लिए? क्यों लड़ रही है मुझसे? और एक बार अपना व्हाट्सएप ओपन करके देख, इतने सारे मैसेजेस कर रखे हैं और एक बार भी तुमने रिप्लाई नहीं किया। कुछ जरूरी काम होता है ना, कॉल कर लिया करो, मैसेज नहीं देख पाता मैं। अच्छा, मैं तो जब हर छोटी चीज के लिए कॉल करूं, तू इतना ही बिजी तो क्यों है रिलेशन में, छोड़ के चला जाना। मैं चीजों को ना हैंडल करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, मगर मेरे से नहीं हो पा रही। और तुम मुझे छोड़ने की बात क्यों कर रही हो? नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा काम है, बट एक बात ध्यान रखना कि इसी काम की वजह से हम अलग ना हो जाएं। ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि 4-5 महीने से हमारी हार्डली बात हो रही है, ना तुम मेरे बर्थडे पे आए, ना ही तुम मुझे प्रॉपर टाइम देते हो, ना ही अपने दोस्तों से मिलते हो, और ना ही मेरे साथ भी घूमने जाते हो। हर टाइम सिर्फ तुम काम ही काम करते हो। पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग करना सीखो, बैलेंस करना सीखो। आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं तुम्हें 1% भी टाइम नहीं दे रहा। इट्स ओके, बट अगर हम दोनों एफर्ट्स करें ना तो रिलेशन और बिजनेस को दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। चल अब से मैं तेरे से डेली बात करा करूँगा और तेरे सारे मैसेज का रिप्लाई करूँगा, और इसी बात पर कल का दिन तुम्हारे नाम। पक्का? पक्का प्रॉमिस। कोई काम तो नहीं होगा ना? कल के सारे काम कैंसिल, सारी मीटिंग कैंसिल, तुम्हारा बर्थडे दोबारा बनाएंगे, मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे और लास्ट में कैंडल लाइट डिनर। ठीक है फिर, कल पहले हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, वैसे भी बहुत टाइम से तुमसे मिला नहीं है, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। ठीक है? ठीक है, कल सुबह में तुझे पिक करने आ जाऊंगा फिर। ये सही है। अरे भाई अपने फोन का लॉक तो बता। क्यों या? अरे भाई बता तो पहले। अरे 2508 है। हिमांशी की डेट ऑफ बर्थ है ये तो? अरे तने बेर आता है, जब ते फोन लिया है उससे ही डेट ऑफ बर्थ गाल रखी है पासवर्ड में। हाँ यार मुझे सब पता है, तभी तो कह रहा हूँ बदल दे पासवर्ड इसका, जब उसको आना ही नहीं है तो क्यों इंतजार कर रहा है तू उसका? कौन किसका इंतजार कर रहा है? अरे कुछ नहीं, ये पागल है, ये ऐसे कह रहा था हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं।
और तुम दोनों हमेशा लेट आते हो। अरे सॉरी यार, हिमांशु उठी हुई थी तो मना रहा था इसको, इसीलिए लेट हो गया। हाँ तो मैं अभी भी नाराज ही हूँ, मानी नहीं हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें कैसे मनाना है, 2 साल हो गए तुम्हें जेलते हुए, और कोई और होता ना अभी तक छोड़ के चला जाता। अच्छा जी, तो एहसान कर रहा है, एक काम कर दफा हो जा फिर। चला तो जाऊँ मैं, मगर तेरे जैसे नौटंकी मिलेगी कहाँ मुझे। अच्छा तुझे मैं नौटंकी लगती हूँ, रोहित बताइए जरा एक बार इसको। अरे यार तुम दोनों का मैटर है, तुम खुद छुलटो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तू हाँ या ना बोल बस एक बार। अच्छा ठीक है, देख भाई नौटंकी और नखरे दिखाना सुंदर लड़कियों की आदत होती है। अरे ये हुई ना बात, देख अब बता जरा तू। हाँ मेरी माँ, मान गया, चले अब लेट हो रहे मूवी के लिए। अरे अभी तो आयो दोनों, अब कहाँ चल दिए? आज का प्लान तो सेट है, पहले मूवी जाएंगे, फिर लंच करेंगे, फिर शॉपिंग और फिर कैंडल लाइट डिनर। यार तुम दोनों का सही है, मूवी शॉपिंग और भाई फिर कैंडल लाइट डिनर, क्या बात है। चलो यार अब चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, लो मोज, बाय बाय। यार मैंने बाय कहती आना भी घनी प्यारी लग गई मानसी। यार तेरे तो एक बात बताऊं के आज तो तू मेरा दोस्त नहीं तू मेरा भाई है। तो अपनी जायदाद नाम करा दू तेरे फेरे। यार सच बताऊं मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। अच्छा सुन मैं तेरे ताजे काम की बात बताता हूँ। बता। किसे मान इंसान ने कही है, एक तरफे प्यार की ताकत कुछ और है, और रिश्ते की डाला दो लोग का मना बट्टा करा वो। हट फिल्मी। चल नहीं यार भूख लग रही है। हेलो। हेलो रोहित। डेट कैसी रही तेरी? कैसी डेट यार, वो मुझे बीच में छोड़ के चला गया। चला गया कहाँ पे? एक कॉल आया, बोला ऑफिस में काम है और वो चला गया। तो क्या हो गया, पड़ गया होगा कुछ काम है? ये काम की बात नहीं है, 4 महीने से ऐसे ही हो रहा है, फोन आता है और वो चला जाता है। मैं भी तो अपना ऑफिस छोड़ कर आती हूँ, सारा काम छोड़ कर आती हूँ सिर्फ उसके लिए, पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार ये तो गलत बात है ना, तू भी तो मेरा हमेशा फोन उठाता है। उसने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करा है तो कुछ ना कुछ काम तो पड़ ही जाता है। यार मैं समझती हूँ, बट 4 महीने से एक दिन भी वो मुझसे ढंग से नहीं मिला, नहीं मुझसे ढंग से बात करी है उसने। इतना तो मैं समझता हूँ कि तुझे बुरा लगता होगा। बुरा? बहुत बुरा लगता है यार, मैं जितने एफर्ट्स करती हूँ वो नहीं करता, उसके बिल्कुल 0 एफर्ट्स है, ऐसा थोड़ी चलता रिलेशनशिप में यार। तो तू क्या करेगी अब? यार एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगता अब इस रिलेशन का कोई फ्यूचर है, सब खत्म होता जा रहा है यार। तो तू उसको क्या बोलेगी अब? पता नहीं यार, बस सही टाइम आने का वेट कर रही हूँ। चल अब तू मूड खराब मत कर। मोमोज खाएगी? हाँ चल चलते हैं। चल ठीक है, 10 मिनट में तेरे घर के नीचे आ रहा हूँ, फिर खिला के लाऊंगा। ओके। यार पता है अब मुझे अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट तुम तो मेरे साथ हो। अरे यार अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगा तो मेरे होने का ना होने क्या फायदा है फिर? ये बात तुमने सही, कभी कभी समझदारी वाली बात कर ही देता है। चल छोड़ इन बातों को, अब ये बता तेरे रिलेशन का क्या होगा? यार मैं तुझे क्या बताऊँ, पहले भी बोला मुझे नहीं लगता कि मेरा उसके साथ कोई फ्यूचर है। अब इस बारे में क्या बोलूँ, लेकिन तुझे जो ठीक लगे ना तू वो कर, और एक बात हमेशा ध्यान रखियो, लाइफ में तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े ना, कोई हो ना हो, रोहित तेरे साथ हमेशा खड़ा है और तेरा हमेशा साथ देगा। थैंक यू सो मच। अरे भाई एक बात बता, कल कहाँ था तू? कल वो हिमांशी को मोमोज खिलाने चला गया था मैं। मुझे भी ले चलता यार, मैं भी खा लेता मोमोज तो। उसका मूड बहुत ऑफ था कल। क्यों क्या हुआ? वो बता रही थी ना कल पहले मूवी देखने जाएंगे, फिर शॉपिंग करेंगे और रात को कैंडल लाइट डिनर करेंगे, सूरज का फोन आ गया कोई जरूरी और वो बीच में छोड़ के भाग गया उसको। फिर? कुछ नहीं, नाराज है वो और ब्रेकअप की बोल रही थी। ये तो बहुत सही हुआ भाई, अब तू प्रपोज कर दे उसको, मौका ही पड़ा है। अबे पागल है के, इब्बत ब्रेकअप होया भी ना है। भाई अब वेट मत कर, तूने स्कूल टाइम पे बहुत वेट कर लिया, इसलिए आज सूरज की गर्लफ्रेंड है। यह बात तो ठीक है, लेकिन मनीषा लग गया है, इब उस तक कुछ कहना ठीक ना हो। भाई मेरी बात मान, इस बार वेट मत कर, प्रपोज कर दे उसको, वो वैसे भी बोल रही थी उसका रिलेशन सूरज के साथ खराब ही चल रहा है। चल देखते हैं।
चल चल लेंगे। यार कहाँ रह गया? हेलो हेलो सूरज, तुम कहाँ हो यार? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें पिक करना भूल गया। भूल गया मतलब तुम मुझे पिक करना भूल गए? तुमने टाइम देखा है? मैं घर कैसे जाऊंगी? तो क्या हो गया यार, खुद चली जाना। मैं बिजी हूँ अभी, मैं किसी मीटिंग में आ गया था। चल बाय, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो, क्या करूँ मैं अब, कैसे जाऊंगी घर? यार यहाँ पे तो कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा, रोहित को ही फोन करना पड़ेगा। हेलो हेलो रोहित। हाँ हिमांशी, क्या हुआ? सुन यार, तू जल्दी आ जा गोल वाले पार्क के पास, सूरज भी मुझे लेना भूल गया और ऊपर से यहाँ पे मेरा नेट भी नहीं चल रहा जहाँ से मैं कैब बुक कर लूँ। प्लीज यार जल्दी आ जा। अरे प्लीज की क्या बात है इसमें, तू मुझे एग्जैक्टली बता है कहाँ पे? मैं गोल वाले पार्क के बिल्कुल साइड में खड़ी हूँ। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ वहाँ पे, वहीं रहियो। ठीक है आ जा। थैंक गॉड। इस टाइम यार क्या कर रहा है? अगर तनाना ये था अपनी स्कूटी पाती। सूरज ने बोला वो पिक करेगा लेकिन वो भूल गया और मुझे बोला कि अपने आप घर जा गजनी। चल चल ठीक है, अब रो मत तू। यार अब तो हद हो गई है, उसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मुझे नहीं रहना उसके साथ। अरे कोई बात ना, रो मन्ना, चल छोड़, आजा बैठ जा, तेरा घर छोड़ दूंगा मैं, आजा बैठ जा। विशाल, मैंने सोच लिया आज हिमांशी से अपने दिल की बात कह ही दूंगा, उसने कर दूंगा मैं प्रपोज। अच्छा, तभी तो आज लड़का स्मार्ट हो रहा है पूरा। अरे काल मनीषा लग गया, वह मेरे तक इतना कितना प्यार कर रहा है जब उसने मैं लेन गया था, और बेरा है उसने मेरे तक अलग भी कराया। भाई क्या करता मैं तेरे, कर दे प्रपोज सही टाइम है। एक बात बता, उसको प्रपोज तो करने जा रहा है, कुछ लेके भी जा रहा है खाली आज जा रहा है? के लेके जाऊँ मुझे क्या पता। अच्छा चल एक काम कर, ब्रेड पकौड़ी ले जा। पागल है, ब्रेड पकौड़े लेके जाऊंगा ही। और क्या लेके जाएगा, वैसे उसको बैंगन का भरता भी बहुत पसंद है। अरे बैंगन का भरता कितना बनाऊं। अच्छा और क्या लेके जाएगा फिर? तू रहने दे, मैं समझ गया। पर क्या समझ गया? बस समझ गया मैं, चल मैं जाऊं फिर। हाय मानसी। हाय रोहित। सूरज देखो रोहित भी आ गया। हेलो रोहित। हेलो सूरज, तुम दोनों का पैचअप हो गया। हाँ मुझे रियलाइज हो गया मैं कितना गलत था। हाँ सही टाइम पे हो गया रियलाइज तुम्हें, वरना ब्रेकअप तो पक्का था। सॉरी मानसी, आगे से तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा। चल छड़ तू, एटलीस्ट मुझे रियलाइज तो हुआ कि तूने गलत किया था। लो जी विशाल भी आ गया। तुम दोनों की लड़ाई सॉल्व होगी क्या? तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला था। और क्या, सूरज को अपनी गलती रियलाइज होगी और मैंने फिर माफ कर दिया उसको। रोहित ये तुमने क्या छुपा रखा है? तुम मेरे लिए कुछ लाए हो ना? अरे दिखाओ तो। अरे मुझे पता ही था तुम्हारा पैचअप हो जाएगा, इसलिए मैं गुलाब लेके आया हूँ। सूरज हिमांशी को दे दे।
यार तने उनता झूठ क्यों कही के गुलाबुन ती लिया था तू। अरे और के कहता, हिमांशी सूरज से प्यार करे है और कोई चरणा था, अरे भाई उसकी खुशी में मेरी खुशी है। अरे बेरा के प्यार की लकीर है न सबके नसीब में ना होती, अरे एक तरफे प्यार में अलग मजा है। भाई आज तो तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा सगा भाई है रे। अरे इनके धरती नाम करा जू तेरे, चल चलेंगे चल। आज अपने भाई ने यहाँ मां पंडा के लाऊंगा। चल तो चल। और भाई कैसे हो सारे? अरे भाई कैसी लगी वीडियो? बढ़िया लगी हो, बुढ़ी लगी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो। अरे भाई एक तरफे प्यार में भी अलग मजा है, किस किस ने होया है कमेंट में बताइयो, और जिसने ना होया वो ही बताइयो। राम राम।